वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 12 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए देखते हैं हमारा आज का पहला आर्टिकल फड़ीगिरी कलाकृतियों के बारे में है। ये 200 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व की और 1942 में खोजी गई फड़ीगिरी कलाकृतियाँ न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक ऑफ आर्ट में प्रदर्शित की गई हैं थीं। फड़ीगिरी कलाकृतियों के बारे में, तो इस सहस्राब्दी में फड़ीगिरी बौद्ध स्थल को बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। फड़ीगिरी अर्थात सांप के फन की पहाड़ी तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है। ये फड़ीगिरी में खोजे गए थोराना बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सांची के दक्षिण में सबसे पहले पाए गए थोराना में से हैं। उसी थोराना में एक पैनल है जो महायान और हीनयान दोनों विचारधाराओं को दर्शाता है। फड़ीगिरी से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बुद्ध के देवत्व को दर्शाते हैं और इस परिवर्तन की तिथि निर्धारित की जा सकती है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान से संतीकरण और अनुष्ठान की ओर संक्रमण हो रहा था। कार्यक्रम के मोनोग्राफ में बुद्ध की छवि है जो रोमन टोगा पहने हुए हैं और चूना पत्थर में सिलवटों को उकेरा गया है। हमारा अगला आर्टिकल ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। अभी हाल ही में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की संश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई। यह देशों के जलवायु परिवर्तन कार्यों के प्रभाव की प्रस्तावित 5 वर्षीय समीक्षा को संदर्भित करता है। पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को 5 साल के चक्र में एक जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करनी होती है। पेरिस समझौते के तहत पहला वैश्विक स्टॉक टेक 2023 के लिए निर्धारित किया गया था। यह आकलन करेगा कि क्या की जा रही जलवायु संबंधी कार्रवाइयों का शुद्ध परिणाम पूर्व औद्योगिक समय से वैश्विक और औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। इससे दुनिया को यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या उसे और अधिक करने की ज़रूरत है और तथा किस हद तक वो काम हुआ है। यह मानता है कि विकासशील देशों में हानि और क्षति और ऊर्जा संक्रमण के लिए धन उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है। रिपोर्ट की मुख्य बातें, तो इसमें वैश्विक उत्सर्जन पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के रूप अनुरूप मॉडल किए गए वैश्विक समन मार्गों के अनुरूप नहीं है। तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ाने और मौजूदा प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कार्रवाई तेज करनी चाहिए। ये पिछले 2 वर्षों में तकनीकी वैज्ञानिक डेटा और सरकारी विशेषज्ञों व्यापारिक नेताओं और नागरिक समाज के परामर्श के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई का अब तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन है। हमारा अगला आर्टिकल अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के बारे में है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य में जुगनू प्रजातियों और उनके आवासों पर एक अध्ययन ने उनके आवास को संरक्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए सक्रिय संरक्षण उपाय करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। आइए इसके प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। तो ये अध्ययन में जुगनुओं के संचार और संभोग व्यवहार पर कृत्रिम प्रकाश के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जुगनुओं की 3 प्रजातियाँ इसमें ट्रिका ह्यूमेरलेस और एप्सकॉन्डिटा जीनस, ये अज्ञात प्रजाति और अनेक अज्ञात प्रजाति और कार्टोस एसपी की पहचान की गई है। उन्होंने आकार आकृति विज्ञान में विभिन्न भिन्नता प्रदर्शित की है, लेकिन अतिव्यापी क्षेत्रों के साथ समान प्रकार के आवास साझा किए हैं। इसका अच्छी तरह से संरक्षित कोर क्षेत्र जुगनू गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, विशेषकर अप्रैल और मई में महत्वपूर्ण प्रजनन मौसम के दौरान। चूँकि जुगनू संचार और संभोग के लिए जैव चमक पर प्रयोग करते हैं, इसलिए अभयारण्य के बफर जोन में कृत्रिम रोशनी उनके नाजुक सिंक्रोनाइजेशन और संभोग व्यवहार को बाधित कर सकती है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के बारे में कुछ मुख्य तथ्य, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये दक्षिण पश्चिमी घाट के पलक्कड़ अंतराल के दक्षिण क्षेत्र सुदूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर बाघ अभयारण्य विविध प्रकार के आवासों का जिसे समर्थन करता है यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे आर्द्र सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती
और शुष्क पर्णपाती, शुष्क कांटेदार और सोला वनाद यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों में इंजो स्पर्म की लगभग 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें बाल्मस, कोटेलारिया, आर्किड और कुरिंची की नई प्रजातियाँ शामिल हैं। जीवों में यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, नीलगिरी तहर, शेर जैसे पूंछ वाला मकाक, गौर, नीलगिरी लंगूर, सांभर हिरण, स्लॉथ भालू, मालावर आदि। ये 6 स्वदेशी समुदायों का समर्थन करता है, जैसे मालासर, मलाई मालासर, कदर, एराबल्लार, पुलायार और मुदवार। इस बाघ अभ्यारण्य में परम्बिकुलम आलियार परियोजना और अमरावती बांध स्थित है, जो पानी और बिजली प्रदान करके क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल FAO खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में है। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रकाशित खाद्य मूल्य सूचकांक अगस्त में 2 साल के लिए के स्तर पर गिर गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ चर्चा में आया। तो खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक माप है। इसमें 5 कमोडिटी समूह मूल्य सूचकांकों जैसे अनाज, सब्जी, डेयरी, मांस और चीनी आदि औसत शामिल होता है, जो औसत निर्यात के साथ साथ भारित होता है। इसका आधार वर्ष 2014 से 16 है। अब जान लेते हैं FAO के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो भुखमरी को रोकने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच प्राप्त हो। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके सदस्य देश 195 हैं, 194 देशों में और यूरोपियन संघ के साथ ये दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में काम करता है। इसके सहयोगी निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD हैं। FAO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट विश्व के वनों की स्थिति, विश्व मत्स्य पालन और जल कृषि की स्थिति, कृषि वस्तु बाजार की स्थिति और विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति आदि ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेलम साबूदाना के बारे में है। अभी हाल ही में सेलम स्टार्च और साबूदाना निर्माता सेवा औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, इसका लोकप्रिय नाम सागो सर्व, को सेलम साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्राप्त हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। साबूदाना कच्चे कसावा टैपियोका से प्राप्त होता है। ये छोटे कठोर ग्लोब्यूल्स या सफ़ेद मोती की तरह होता है। इसका निर्माण कसावा जड़ों से कुचले गए गीले स्टार्च पाउडर से किया जाता है। गीले स्टार्च पाउडर का उपयोग साबूदाना के उत्पादन के लिए किया जाता है और सूखे पाउडर का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं कसावा क्या है। तो ये कसावा ये तमिलनाडु में लगभग 3 लाख हेक्टेयर की खेती वाली एक प्रमुख फसल है, जिससे 60 लाख टन की फसल का उत्पादन होता है। यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी कैसी होती है, तो अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, अधिकतम लाल लेटेराइट दोमट मिट्टी होती है। ये उष्णकटिबंधीय गर्म आर्द्र जलवायु में सबसे अच्छा उगता है। यहाँ इसके लिए वर्षा प्रतिवर्ष लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा अच्छी तरह से वितरित वर्षा चाहिए होती है। इस फसल की खेती 1000 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। अब आइए जानते हैं GI टैग के बारे में थोड़ा। तो GI टैग ये उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, जैसे किसी क्षेत्र में विशेष में एक अच्छी तरह से उगता हो और उसकी कोई अपनी विशेष क्वालिटी हो और उसमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा अपनी होती है उसकी। इसका उपयोग आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य उत्पादों, वाइन और स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के बारे में है। तो आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में RBI ने इंटरबैंक उधार या कॉल मनी मार्केट के लेन देन के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का पायलट लॉन्च करने की संभावना है।
अब देखते हैं मुद्रा बाजार क्या है। तो मुद्रा बाजार मूल रूप से वित्तीय बाजार के एक हिस्से को संदर्भित करता है जहां उच्च तरलता और अल्पकालिक परिपक्वता वाले वित्तीय साधनों का कारोबार किया जाता है। इसमें एक वर्ष या उससे कम की अल्पकालिक परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है, जैसे कि ट्रेजडी बिल और वाणिज्यिक पत्र। इसका उपयोग कंपनियां सहित कई प्रतिभागियों द्वारा धन जुटाने के लिए किया जाता है। प्रतिभूतियों की अल्पकालिक उच्च तरलता के कारण मुद्रा बाजार को निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। अब देखते हैं कॉल मनी क्या होती है। तो कॉल मनी को मनी ऑन कॉल भी कहा जाता है। ये एक ऋण है जिसे ऋणदाता द्वारा मांगे जाने पर तुरंत पूरा भुगतान करना होता है। टर्म लोन के विपरीत कॉल मनी लोन में भुगतान और परिपक्वता का कोई निर्धारित शेड्यूल नहीं होता है। इसके अलावा कॉल मनी के ऋणदाता को पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के बारे में, तो यह एक अल्पकालिक मुद्रा बाजार है जो बड़े वित्तीय संस्थानों को अंतर बैंक दरों पर पैसा उधार लेने और उधार देने की अनुमति देता है। ब्याज की दर जो बैंक एक दूसरे से धन उधार लेने पर लेते हैं। कॉल मनी बाजार में ऋण बहुत कम होते हैं, आमतौर पर एक सप्ताह से अधिक नहीं चलते। इन ऋणों का उपयोग अक्सर बैंक को संरक्षित आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से बैंकों द्वारा नहीं किया जाता है। इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट ग्राहकों में अन्य वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, बड़े निगम और बीमा कंपनियां शामिल हो सकती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक के बारे में है। आइए देखते हैं। भारतीय तटरक्षक ने हाल ही में इस्तांबुल में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया है। तभी ये चर्चा में आया है। एशियाई तटरक्षक बैठकों के प्रमुख बिंदु क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो इसके सदस्य देशों में एक 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 करके बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जापान द्वारा क्षेत्रीय तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह फोरम में 23 सदस्य तटरक्षक एजेंसियां और 2 सहयोगी सदस्य हैं। एशिया में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इसकी देखभाल करता है। नवंबर 1999 में भारतीय तटरक्षक द्वारा समुद्री डाकू जहाज MV अलोंद्रा रेनबो को पकड़ने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक फोकस क्षेत्र की सुरक्षित संरक्षित और स्वच्छ समुद्रों को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए सदस्य एशियाई राज्यों के तटरक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसे प्राप्त करने के लिए HACGAM में 4 कार्य समूह शामिल हैं जो सामान्य समुद्री मुद्दों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया और तालमेल के लिए एक केंद्रित और लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण को सक्षम करते हैं। भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव एक कार्य समूह की अध्यक्षता करता है और अन्य कार्य समूह का एक सक्रिय सदस्य है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैरकानूनी कृत्यों को नियंत्रित करना और सूचना साझा करना शामिल है। 2022 में बैठक का 18वां संस्करण नई दिल्ली में ICG द्वारा आयोजित किया गया था। पर्यटन के लिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप है। तो आइए देखते हैं गोवा रोड मैप क्या है। तो अभी एक सर्वसम्मत निर्णय में G20 नेताओं ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की एक दिशा में पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप का समर्थन किया है। देखते हैं गोवा रोड मैप क्या है इसके बारे में। तो गोवा रोड मैप भारत के G20 पर्यटन ट्रैक का एक परिणाम है जो टिकाऊ वैश्विक पर्यटन का एक खाका तैयार करता है। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम से जुड़ा है जो समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय प्रयासों में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करता है। रोड मैप 5 परस्पर जुड़ी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। वे हैं हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, गंतव्य प्रबंधन, कौशल विकास और पर्यटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए समर्थन। इन प्राथमिकताओं का सभी G20 देशों के समर्थन किया है, जिसमें टिकाऊ, लचीला और समावेशी पर्यटन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।
भारत के ट्रैवल फॉर लाइफ पर्यटन के लिए जीवन शैली के दृष्टिकोण को गोवा रोडमैप में शामिल किया गया है। G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड, इसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया था। डैशबोर्ड एक वैश्विक भंडार के रूप में काम करेगा जो G20 देशों की स्थायी पर्यटन प्रथाओं और नीतियों की सर्वोत्तम प्रथाओं और केस अध्ययनों को प्रदर्शित करेगा। मिशन लाइफ, तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लिए बारे में मुख्य तथ्य तो देखते हैं इसमें। तो मिशन लाइफ या पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला यह एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम की आशा है कि इस कार्यक्रम से उम्मीद करी जाती है कि 1 अरब भारतीयों के साथ साथ अन्य देशों के लोगों को भी ऐसे व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा जो स्थायी जीवन शैली अपनाते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है जिसमें हर कोई अपनी अपनी क्षमता से योगदान दे सकता है। ये P3 मॉडल यानी प्रो प्लेनेट पीपल की भावना को प्रोत्साहित करता है। एक ग्रह की जीवन शैली ग्रह के लिए ग्रह के द्वारा और ग्रह द्वारा के बुनियादी सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य स्थिरता के प्रति लोगों के सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए 3 आयामी रणनीति का पालन करना है। व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। उद्योग और बाजारों को बदलती मांग पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। टिकाऊ उपभोग और उत्पादन दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार औद्योगिक नीति को प्रभावित करना आदि इसके उद्देश्य हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध के बारे में है, GIRD के बारे में है। तो आइए देखते हैं, तो इसका देख लेते हैं। इसे मैप में ये कहाँ है, तो ये है, ये रेड सी है और ये है इजिप्ट, ये है सूडान और ये है इथोपिया। इथोपिया इसमें यहाँ एक सूडान और इथोपिया के बॉर्डर पे ये ग्रैंड पुनर्जागरण या इसको मिलेनियल डैम भी कहते हैं, यहाँ पे ये है बांध। ये रेड सी है, ये इथोपिया है और ये सूडान है। तो आइए देखते हैं अभी मैप में, तो आपने देख लिया इसको। तो इथोपिया में हाल ही में ये घोषणा की थी कि उसने नील नदी पर अपना ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध जो कि भर दिया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये इसे पहले मिलेनियम बांध के नाम से जाना जाता था। ये सूडान की सीमा, जैसा कि हमने अभी दिखाया मैप में, सीमा के पास इथोपिया में बेनी सांगुल गुमुज क्षेत्र में स्थित है। ये ब्लू नील पर स्थित बांध है जो नील नदी की मुख्य सहायक नदी में से एक है। इस बांध की क्षमता 6.45 गीगावाट पर बांध पूरा करने पर अफ्रीका में सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र होगा। इसकी विशेषताएं, ये एक रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण प्रकार का बांध है जिसमें 2 पावर स्टेशन, 3 स्पिलवे और 1 सैंडल बांध शामिल है। ये मुख्य बांध 145 मीटर ऊंचा और 1780 मीटर लंबा है। ये 1875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक जलाशय बनाएगा और इसमें 74 अरब घन मीटर पानी होगा। इसे यहाँ पे विवाद क्यों है, तो मिस्र और सूडान को डर है कि $4.2 अरब का भारी भरकम GIRD उन्हें मिलने वाले नील जल के हिस्से को गंभीर रूप से कम कर देगा और उन्होंने बार बार इथोपिया से इसे भरने से रोकने के लिए कहा था जब तक कि वे सभी एक समझौते पर नहीं पहुंच जाते। इसे कैसे काम करना चाहिए इसके बारे में अभी आगे पता चलेगा, तब हम अपडेट आपको देंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये बचाए गए 2 जंगली जानवरों, एक फिशिंग कैट और एक अजगर को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य में छोड़ा गया था, इसीलिए ये डी एरिंग अभ्यारण्य चर्चा में आया है। तो ये जैसा कि ऊपर बताया, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया था और लगभग 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला है। इसका नाम आधुनिक अरुणाचल प्रदेश के प्रेरणाता स्वर्गीय डेइंग एरिंग के नाम पर रखा गया है जो एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ थे। यहाँ पर वनस्पति, ये एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र में स्थित है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पर्णपाती वन शामिल हैं।
यह सियांग नदी का घर भी है, जो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। यहाँ ये धाराओं और चैनल पूरे अभयारण्य को काटते हैं। अभयारण्य में छोटे से मध्यम जलाशय हैं, जो पक्षियों के लिए अच्छे घोंसले के स्थान प्रदान करते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों में लगभग 80% भाग घास के मैदान से ढका हुआ है, और बाकी नदी के किनारे के वन क्षेत्र हैं, जिसमें मिश्रित बांस और द्वितीयक वन हैं। मुख्य घास प्रजातियाँ सैक्रम स्पोंटेनियम, एस अरुंडीनेसियम और नेयाड्रिया रेनोडियाना हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर भैंस, हाथी, वाघ, तेंदुआ, बिल्ली, भौंकने वाले हिरण, सिवेट बिल्ली, सांवर, सियार आदि का यहाँ पे घर है। साइबेरिया और मंगोलिया से क्रेन, जंगली बतख, सारस और जल पक्षी जैसे प्रवासी पक्षियों को भी है हर साल यहाँ पर देखा जाता है। आज के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल समाप्त हुए, तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।